आज दिनांक 20 मार्च 2024 को डे जाओ स्कूल ऑफ इनोवेशन में वार्षिक रिजल्ट की घोषणा की गई, जिसमें बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए और पेरेंट्स क्लास टीचर से मिलकर साल भर की गतिविधियों पर टीचर से चर्चा किया। जो कुछ समस्या पेरेंट्स को नजर आई उन्होंने अपने क्लास टीचर को बताया और डे जाओ स्कूल ऑफ इनोवेशन में एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। रिपोर्ट कार्ड के साथ बच्चे का पूरा आंसर शीट भी दिया गया, जिससे कि पेरेंट्स आंसर शीट देखकर अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड मिला सके। बच्चे बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे थे। 80% से नीचे किसी बच्चे का रिजल्ट नहीं था और हाईएस्ट मार्क 99% तक था। क्लास वाइज जो बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड कैटेगरी में आए बच्चों को मेडल तथा चॉकलेट देकर सम्मानित किया गया और अगले क्लास में जाने की बधाई दी गई। बहुत सारे पेरेंट्स ने सिटी न्यूज लाइव के साथ मिलकर अपना अनुभव साझा किया। पेरेंट्स ने स्कूल के निदेशक श्रीमती गरिमा विशाल तथा उनके सारे टीम को बधाइयां दी और बताया कि यहां टीचर बच्चों के साथ बिल्कुल घर जैसा व्यवहार करते हैं और उन्हें अच्छा शिक्षा तथा संस्कार देती है। पेरेंट्स ने बताया कि इस स्कूल की बहुत सारी विशेषताएं हैं और आगे चलकर यह स्कूल मुजफ्फरपुर में अपना एक स्थान बनाएगा। Thank you.
मैडम। इन विच क्लास डू यू रीड? आई रीड इन क्लास 8। यू टेल मी अबाउट एनी पिकुलरिटी ऑफ योर स्कूल। माई स्कूल इज वेरी नाइस आई गेस बिकॉज इट इन्वॉल्व अस इन वेरी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। हेलो, आई एम दिव्यांशु सिंह फ्रॉम क्लास 5 इन डिजर्व स्कूल ऑफ इनोवेशन। Which thing you like most in your school? I like my friends, my teacher who supports me in supports every time. Your name? Sir, I'm Ishan from Standard 8 from Deja Vu School of Innovation. I'm Ishan of Class 8 from Deja Vu School of Innovation. You tell me about any interesting chapter or matter related to your school. So our school, Deja Vu School of Innovation, there already a word innovation in our school. It means that our school provides some innovative activity. मैं आज Deja Vu School में क्या कुछ प्रोग्राम हो रहा है? हाँ, आज Deja Vu School of Innovation में रिजल्ट और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है। बच्चों के एनुअल एग्जाम के रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सारे पेरेंट्स और बच्चे बहुत खुश हैं। ये जो रिजल्ट होता है एनुअल एग्जाम का, ये बच्चों के मेहनत के साथ साथ टीचर्स का और पेरेंट्स के भी मेहनत का दिन होता है। तो आज सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं। मौसम थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, लेकिन फिर भी अभी तक मतलब 90% हमारे पेरेंट्स आ चुके हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। सारे बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी अभिभावकों को भी बहुत बहुत बधाई। अभी हम लोग का एडमिशन ऑलरेडी चल रहा है और नेक्स्ट सेशन हम लोग का 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। सिटी न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। निशा पटेल सर। किस क्लास में टीचर हैं? आई एम मैथ्स टीचर फॉर क्लास 5 to 8। 5 to 8 मैथ? यस सर। तो बच्चों को कैसे आप मैथ समझा पाते हैं? सो मैथ्स पे हमारा फोकस बस ये नहीं रहता है कि बच्चे फार्मूला को रट ले और उसको सॉल्व कर ले। हमारा मेन फोकस है कि बच्चे क्वेश्चन को समझे और उसको गो थ्रू करके वो इजिली सॉल्व कर पाए। मेरा नाम अनन्या श्रीवास्तव। किस क्लास की टीचर हैं आप? जी मैं क्लास 1 to 8 टीचर। कौन सा सब्जेक्ट आपका है? इतना नाम हुआ आपका? अमिताभ रंजन। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? और मेरा भतीजा है, स्टैंडर्ड 3 में यहाँ पढ़ता है। कितने सालों से इस स्कूल में आना जाना आपका है? 5 वर्ष हो गए लगभग। इन 5 वर्षों का क्या कुछ अनुभव है? काफी अच्छा है अनुभव। तो फोर्थ में जाने वाला है, एलकेजी से पढ़ रहा है। पहले दूसरे स्कूल में था? पहले लिटिल मिलेनियम में था। तो लिटिल मिलेनियम से आप सेटिस्फाई नहीं रहे? नहीं, वो अपने तो तरीके से वो अच्छा ही करते थे, लेकिन थोड़ा हमको कुछ ज़्यादा चाहिए था, हमको एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था। अच्छा, तो वो एक हुआ। जी मेरा नाम नरेंद्र बाजू हो जाएगा। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? यहाँ डिजाओ में। किस क्लास में? यूकेजी में था। कितने दिन से यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे? 1 साल हो गया। 1 साल का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? बहुत अच्छा रहा सर। निश्चित सर। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? जी। किस क्लास में? LKG में पढ़ते। कितने दिन से यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे? स्टार्टिंग से। जब से बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं तब से स्कूल से कोई किसी तरह का कोई शिकायत है आपको? नहीं नहीं, कोई शिकायत। मेरा बाबू है ईशान इरफान। पहले घर में बहुत पढ़ाई करता था, बदमाशी करता था, बट यहाँ आकर के बहुत डिसिप्लिन में मेंटेन रखता है और अच्छा रिजल्ट भी किया, फर्स्ट भी आया है। सो थैंक यू Deja Vu एंड ऑल ऑफ टीचर्स। जी मेरा नाम काजल सिंह है। और आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं? जी मेरा बेटा है, 1 साल से यहाँ पे पढ़ रहा है, प्ले ने उसने शुरू किया था और बेटी ने इसी साल ज्वाइन किया है। बेटे से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अंजीत कुमार। आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ? हाँ, नर्सरी क्लास में। कब से पढ़ा रहे हैं यहाँ? 1 साल ही हुआ। 1 साल की कुछ खट्टी मीठी यादें बताइए। पहले तो रोता था, लेकिन यहाँ पे मैम और सर लोग बहुत अच्छे हैं, तो मैम बोली कि आप टेंशन नहीं लीजिए, आएगा खुद पढ़ेगा। तो 2-4 दिन रोया, फिर वो डेली जाता था, बोलता था अच्छा पढ़ाई होता है। राकेश कुमार सिन्हा। आपको बच्चा यहाँ पढ़ता है? किस क्लास में? UKG और 2 में पढ़ती है। और कब से बच्चा यहाँ पढ़ रहा है? आप इस स्कूल, आपको बच्चा यहाँ पढ़ता है जी? क्या नाम है उसका? हर्षराज।
किस क्लास में है? कब से यहाँ पे एडमिशन हुआ है बच्चे का? पिछले साल एडमिशन हुआ था। एक साल आपने कंप्लीट कराया बच्चे का। एक साल का कैसा एक्सपीरियंस है आपका इस स्कूल का? एक्सपीरियंस है, यहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा मतलब केयर किया जाता है, पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा मतलब ध्यान दिया जाता है।